हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी एक और नई अमेजिंग वीडियो में। आप देख रहे हैं अग्रवाल गेमिंग चैनल। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यार, आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा कमाल धमाल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक न्यू और सीक्रेट और धमाकेदार ट्रिक, जो कि आपने पहले नहीं देखी होगी। क्योंकि गाइस, ये जो ट्रिक है आज की बहुत ही कमाल है, क्योंकि इस ट्रिक में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप यार न्यू गैंगस्टर में अंडरग्राउंड जा सकते हो। मतलब इस जो वर्ल्ड है इसके नीचे जा सकते हो, इसको नीचे से देख सकते हो, और दीवार के आर पर कैसे जा सकते हो। ये दो ट्रिक्स हैं आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही कमाल ट्रिक्स हैं। तो गाइस इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। तो चलिए दोस्तों, आज की ट्रिक के लिए यार एक चीज चाहिए होगी जो कि हमें मिलेगी डेजर्ट एरिया से। तो जल्दी से चलते हैं। तो लो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं जल्दी से डेजर्ट एरिया में, और वो चीज़ है जो कि हमें चाहिए वो है हमारा प्यारा टैंक, जो हमारे पुराने वाला आर्मी टैंक है, वो चाहिए होगा हमें। तो जल्दी से लेते हैं उसे और फिर से चलते हैं अपने इलाइट एरिया में वापस। तो ये मैं पहुंच गया टैंक के पास, तो जल्दी से टैंक उठाता हूँ और चलते हैं इलाइट एरिया। तो लो गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ इलाइट एरिया में। तो यार इलाइट एरिया में मैं आ चुका हूँ इस ब्रिज के पास, जो बड़ी सारी वॉल है इसके पास आ चुका हूँ। तो गाइस अब आपको क्या करना चाहिए, जो टैंक है आपको एकदम वॉल के साथ चिपका देना है। ये देखो, ऐसे थोड़ा सा धक्का देता हूँ और ये एकदम वॉल के साथ जो है चिपक चुका है। तो गाइस इसके अंदर बैठेंगे, और बैठने के बाद अब हमने उतर जाना सिंपल। तो ये देखो गाइस, हम जैसे ही हम इस टैंक से उतरेंगे तो होगा। तो ये लो गाइस, हम अंडरग्राउंड वर्ल्ड में आ चुके हैं और दीवार भी पार कर चुके हैं। तो ये दोनों ट्रिक्स हो चुकी हैं। जैसे हम टैंक से उतरे तो हम दीवार पार कर गए, और दीवार पार करके हम आगे नीचे अंडरग्राउंड वर्ल्ड में। तो हमारी दोनों ट्रिक्स हो गई। तो गाइस ये देखो यार, अंडरग्राउंड वर्ल्ड कैसा लग रहा है। तो गाइस इसके अलावा और कोई ट्रिक नहीं है यार अंडरग्राउंड वर्ल्ड में आने की। तो यार आप कभी जा किसी हाइट से नीचे गिरते हो जाओ तब आ सकते हो, वैसे इसके अलावा कोई और ट्रिक नहीं। सबसे आसान ट्रिक जो है यही है। तो गाइस ये देखो अंडरग्राउंड वर्ल्ड, वो देखो गाइस सामने हमारा है सीपेमेंट एरिया। तो गाइस वो देखो यार कितना अच्छा लग रहा है, एकदम नीचे है सीपेमेंट एरिया। यार मुझे लगता था बीच एरिया ज़्यादा नीचे है, पर नहीं गाइस सीपेमेंट एरिया देखो, वो देखो कितनी नीचे है, काफ़ी सही लग रहा है यहाँ से। तो जल्दी से हम सीपेमेंट एरिया की तरफ चलते हैं। तो चलो गाइस, हम देखेंगे आज सीपेमेंट एरिया को नीचे से। ये आपने डेजर्ट एरिया, मतलब डेजर्ट एरिया नहीं, ये गेटो एरिया, बीच एरिया और लाइट एरिया तो नीचे से देख लिया। अब जल्दी से सीपेमेंट एरिया की तरफ चलते हैं। तो ये देखो गाइस, जहाँ इतना जितना पास आते जा रहे हैं उतना उतना अच्छा दिखता जा रहा है। हमें जल्दी से नीचे नीचे आते रहना होगा अगर हम ऊपर से सीधा उठते रहेंगे। तो गाइस हम यहाँ जो अंडरग्राउंड वर्ल्ड है इससे बाहर निकल जाएंगे। अगर एक बार बाहर निकल गए तो फिर से आपको उसी ट्रिक का इस्तेमाल करके वापस आना पड़ेगा, नहीं तो आप वापस अंडरग्राउंड वर्ल्ड में नहीं आ सकते। तो ये लोग गाइस, वो देखो गाइस ये जो कार है हमारे ऊपर चल रही है। तो गाइस ये देखो, ये जो टनल है मैं टनल के नीचे आ चुका हूँ। तो गाइस देखो कितना कमाल आ रहा है यार ये अंडरग्राउंड वर्ल्ड में दीवार। ओके तो गाइस अबे सेट, अबे यार मैं बाहर आ गया गाइस, पता ही नहीं लगा यार यहाँ पे ये था। नीचे से कुछ पता ही नहीं लगता यार, एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है सब कुछ, इसलिए पता नहीं लगता। तो मैं नीचे आ गया हूँ, मतलब ऊपर आ गया हूँ। अभी अगर मुझे फिर से नीचे जाना है अंडरग्राउंड वर्ल्ड में तो मुझे वही टैंक वाली ट्रिक आजमानी पड़ेगी, बहुत टाइम लगेगा। तो चलो गाइस, आपने देख तो लिया है नीचे से, और ट्रिक भी आपको पता लग गई है, आप ट्राई कर सकते हो। तो गाइस ये देखो, ये हमारा सीपेमेंट एरिया, वैसे इसने आप ये तो आपने पहले भी देख लिया होगा। तो ये देखो गाइस, अभी भी ऐसा लग रहा हूँ जैसे मैं अंडरग्राउंड वर्ल्ड में हूँ, बॉक्स ऊपर था। तो ये देखो गाइस, ये है हमारा सीपेमेंट एरिया। तो जल्दी से गाइस अब चलते हैं, कुछ गाड़ी को लेते हैं। अभी ये गाड़ी तो हमारी है, अभी इसने गाड़ी चुरा ली तो इससे हम अपनी गाड़ी छीन लेंगे। तो लो गाइस, इससे हमने अपनी गाड़ी छीन ली है। तो अभी जल्दी से चलते हैं बाहर। ये वही ब्रिज है गाइस जिसके अभी थोड़ी देर पहले हम नीचे थे। नीचे से यार कैसे ट्रांसपेरेंट था पूरा, कितना अच्छा लग रहा था। और अब देखो, और गाइस ये देखो कितनी तेज चल रही है हमारी गाड़ी। ओ अभी 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 सट, ओ भाई क्या बड़ा एक्सीडेंट हुआ। ओ भाई साहब, अबे एकदम नीचे आ गई गाड़ी। अबे गेट बैक टू द कार, अबे भाई मरना है मुझे गाइस। यार देखो पानी में कार, और ये कह रहे गेट बैक टू द कार। लो अबे कहाँ गई कार, अबे अब कार गायब कर दी। अबे भाई नाराज हो गया, हो क्या कार गायब कर दी। तो गाइस हमारे पास ये हमारा प्यारा जेट बैग है जो हमें हर बार पानी से बचा देता है। जब भी हम पानी से गिरते तो यार ये जेट बैग हमें हर बार बचा लेता है, नहीं तो हमें यार तैर के पता नहीं कहाँ कहाँ से आना पड़ता है, कई बार तो आ ही नहीं पाते। तो यार ये जेट बैग बहुत कमाल की, ये पानी में भी ऑन हो जाते हैं। अरे अच्छा बाइक लेके आए हो, अबे गिर क्यों गए। अबे भाई साहब एक और एक्सीडेंट, पहले हमारे कार से एक्सीडेंट हो गया, अबे एक्सीडेंट ही होते रहेंगे क्या।
तो गाइस ये देखो बाइक कितनी कमाल चल रही है, ये देखो। ओ भाई कितना मजा आ रहा है यार इस बाइक को चलाने में, एकदम फुल स्पीड पे। अबे एक और एक्सीडेंट, अबे यार और गेम नहीं खेलूंगा गाइस मैं, एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं आजकल। तो गाइस जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और यार कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नई धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।